वेलकम टू क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 10 का चैप्टर नंबर सेकंड के बारे में, जिसकी एक्सरसाइज सेकंड ए चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 5 का अपन डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, तो आप वीडियो देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन है कि पुनीत हैज ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन द बैंक ऑफ बड़ौदा एंड डिपॉजिट 140 पर मंथ। यानी जो पुनीत है वो कितना डिपॉजिट करवा रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा में, जिसको मैं प्रिंसिपल अमाउंट मान लेता हूँ, वो कितना है 140 रुपीज पर मंथ है फॉर 4 ईयर। तो एन की वैल्यू 4 ईयर के लिए कितना आ जाएगा, 4 ईयर बोला है तो 4 ईयर के लिए 12 × 48 यानी 48 मंथ हो गए। उसके बाद में ये बोला है कि इफ गेट 8090 रुपीज ऑन द मैच्योरिटी, यानी एमवी की वैल्यू दे दी आपको, मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है 8092 ऑन द मैच्योरिटी, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी रेट फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करना है, रेट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले तो मैं सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करूं, तो SI का जो फॉर्मूला है वो है पी इंटू एन इंटू एन प्लस वन अपॉन में 2 × 12। ये अपन इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिए, और इस ये आर अपॉन में 100। आपको इंटरेस्ट रेट फाइंड आउट करनी है, यानी जो रेट है आपकी उसी को मैं लेट करके क्या मान लू आर परसेंटेज है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इतनी बात तो समझ गए होंगे। SI की वैल्यू आ जाएगी I इक्वल टू 140 इंटू एन की वैल्यू 48 इंटू एन प्लस की वैल्यू 49 अपॉन में 2 × 12 इंटू आर अपॉन में 100। ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 2 से मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो ये 7 हो गया, और इससे मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 12 × 48, ठीक है ना, ये वैल्यू होगी। यानी जो SI की जो वैल्यू आपकी आएगी वो 7 × 4 × 49 × r/10 ये वैल्यू है। तो यहां से जो SI की वैल्यू है उसको मैं कैलकुलेट कर देता हूं, देखो 7 × 4 × 49, तो ये वैल्यू आ गई आपकी, और 10 से मैं डिवाइड करूं तो 137.20, ठीक है, इंटू में आर, ये पॉइंट था, 10 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी रुपीज के अंदर, वैल्यू आ गई। अब अपन मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला जानते हैं कि मैच्योरिटी वैल्यू किसकी इक्वल होता है, पी इंटू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू टोटल मंथ प्लस SI कर दूं, सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर दूं तो मैच्योरिटी वैल्यू आ जाएगी। अब मैच्योरिटी वैल्यू की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 8092 इक्वल टू पी इंटू, पी की वैल्यू कितनी है 140 इंटू एन की वैल्यू कितनी है 48 प्लस 137.20 आर, ये लीजिए, ठीक है, ये वैल्यू। अब देखो मैं 140 को मल्टीप्लाई करूं 48 से तो आपकी वैल्यू आएगी 8092 इक्वल टू 6720 प्लस 137.20 आर, ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो माइनस करवा देता हूं मैं, तब आपकी वैल्यू यहां से आ जाएगी 31372 इक्वल टू 137.20 आर, ये वैल्यू आ जाएगी। तब आर की वैल्यू देखो कितनी आएगी, आर की वैल्यू आएगी 1372 अपॉन में 137.20 ये आ जाएगा। इस पॉइंट को मैं रिमूव करूं तो यहां पे कितना आएगा 0। अब सेम वैल्यू से सेम वैल्यू आप कैंसिल आउट करोगे यहां तक तो वैल्यू आ गई आपकी 1 और ये आपका 0, ठीक है। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 10%, तो इसके अंदर आपका आंसर कितना आ जाएगा 10%, ये आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट की मैं बात करूं तो सेकेंड पार्ट में देखो, सेकेंड पार्ट में आपको गिवन है कि डेविड ओपन ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन ए बैंक एंड डिपॉजिट अमाउंट कितनी है 300 पर ईयर पर मंथ, ठीक है, और कितने ईयर के लिए है 2 ईयर के लिए, ये 2 ईयर हो गया,
ठीक है, 2 ईयर यानी 24 मंथ हो गया। ये लीजिए, इफ ही रिसीव यानी कितनी मैच्योरिटी वैल्यू रिसीव कर रहा है, 7725 रुपीज को ये कर रहा है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस रेट को मैं लेट करके क्या मान लू, आर मान लेता हूं, आर परसेंटेज मान लेता हूं, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, करते हैं। देखो सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट SI को मैं फाइंड आउट करूं तो SI का फॉर्मूला है, डायरेक्ट मैं पुट कर रहा हूं, P की वैल्यू कितनी है 300, N की वैल्यू कितनी है 24, N प्लस की वैल्यू आ जाएगी 25 अपॉन में 2 × 12 R अपॉन में 100, 100 से 100 कैंसिल आउट, 24 से 24 कैंसिल आउट, तो SI की वैल्यू आ जाएगी 75 R। ये SI की वैल्यू आ गई, इतना आप समझ गए होंगे। अब मैं SI का यूज करके मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला यहाँ पे पुट करूंगा। तो मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट को मैं यदि N से मल्टीप्लाई कर दूं और प्लस कर दूं SI, तो आपकी मैच्योरिटी वैल्यू आ जाएगी। मैच्योरिटी वैल्यू की गिवन आपको कि 7725 इक्वल टू ये वाली वैल्यू, P की वैल्यू कितनी है 300 इंटू ये 24 प्लस में SI कितना है 75 R। ठीक है, इसी को मैं लिख सकता हूँ 7725 इक्वल टू, जो इतनी बेहतर तो बेहतर से हो गया, प्लस में 75 R। इधर लाके आप माइनस करोगे तो कर दो 525 माइनस हो जाएगा, माइनस करते कितना 525, लिख देता हूँ 7725 माइनस 7200 इक्वल टू 75 R। इसमें से ये माइनस करोगे तो 525 और ये जो 75 इसके डिवाइड में आएगा तो आपकी वैल्यू R की आ जाएगी। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैंसिल आउट कर दो आप इसको, ठीक है 7525, ठीक है इतना आ गया 7 और ये आ गया परसेंटेज के अंदर, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, समझ गए होंगे। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 7 के बारे में, तो आप वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, क्वेश्चन है आपका 7th में आपको गिवन है कि अमित डिपॉजिट ₹150 पर मंथ इन ए बैंक फॉर 8 मंथ, 8 मंथ ठीक है, जो जो गिवन मैं लिख देता हूँ, अंडर द रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम व्हाट इज द मैच्योरिटी वैल्यू यानी MV फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है। इंटरेस्ट कितना आपका, इंटरेस्ट इज 8% पर एनुअल, यानी R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू 8% है। ठीक है, एंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, तो आपको इंटरेस्ट फाइंड आउट करनी, मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो इंटरेस्ट हो जाएगा यहां से, तो वैल्यू आपकी कितनी आएगी, SI का जो फॉर्मूला है वो है N P इंटू एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2 × 12 इक्वल इंटू 8 यानी R अपॉन में 100, ये है आपका। तो P की वैल्यू है 150 इंटू एन की वैल्यू है 8, एन प्लस 1 की वैल्यू 9 और 2 × 12 इंटू R की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन में 100, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। अब देखो 25 से मैं इसको डिवाइड करूं तो ये तो आ गया 6 और इसको 25 से डिवाइड करूं तो ये आ गया 24 आ जाएगा, कितना आ गया 4 आ गया। इस 4 और इस 2 से ये 8 कैंसिल आउट, कितना 8 कैंसिल आउट, तो 2 हो गया। इस 4 यानी 4 से ये कैंसिल आउट तो 2 और ये 4 से कैंसिल आउट तो 3 और इस 3 से मैं इसको कैंसिल आउट कर दूं तो ये 2 हो जाएगा। तो देखो वैल्यू आ गई 2 × 2 × 9 × 9 2, ये आ गया। तो वैल्यू यहां से कैलकुलेट करोगे आप तो ये 8 हो गया और 8 × 9 कितना 72, ठीक है ना। ठीक है, ये रुपीज में आ जाएगा, ये आपके SI की वैल्यू होगी। मैच्योरिटी वैल्यू देखो, मैच्योरिटी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है तो P को N से मल्टीप्लाई प्लस और वैल्यू आपकी आ जाएगी फिर क्या आएगा सिंपल इंटरेस्ट। तो MV की वैल्यू है आपकी आ जाएगी यहां से
150 को मल्टीप्लाई करवा दीजिए 8 से और प्लस SI को आप इसमें ऐड कर दो, तो ये तो हो गया 1200। 1200 प्लस बेहतर कितना, 1200 बेहतर, ये रुपीज के अंदर आपकी वैल्यू आ जाएगी, MB की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। ठीक है, देखते हैं कहीं पे गड़बड़ तो नहीं की है, आंसर को मैं चेक कर लेता हूं एक बार। पी की वैल्यू 150, पी की वैल्यू कितनी है आपकी 150 है, ठीक है, 8 मंथ है और रिकरिंग आपकी रेट 8 है, तो कैंसिल आउट होने में कोई गड़बड़ हुई है, दोबारा देखो एक बार ये वाली वैल्यू, पी की वैल्यू कितनी है 150 इंटू एन की वैल्यू 8 इंटू एन प्लस 1 की वैल्यू 9 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 8, इसकी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 अपॉन में 100, 25 से आप डिवाइड करोगे तो ये तो 6 हो गया और इसको आप 25 से डिवाइड करोगे तो ये 4 हो गया, 6 से मैं इसको डिवाइड कर दूं तो ये 2 हो गया और इस 2 और इस 4 से ये आपका कैंसिल आउट कितना आ गया 8 हो गया, ठीक है, और इसको मैं इससे कैंसिल आउट करूं तो ये आ जाएगा आपका 4, यानी जो वैल्यू आएगी वो 4 इंटू 9 आएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आ गया और ये SI की वैल्यू आ गई 36। अब दोनों का आप ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 1236। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेट देख लेना, फिर भी कोशिश करेंगे एकदम करेक्ट करने की। देख अब अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको गिवन है कि मिस्टर गीता डिपॉजिट 350 पर मंथ, यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितनी है 350 रुपीज है इन ए बैंक फॉर 1 ईयर, यानी मंथ कितने आपके 1 ईयर में कितने होते हैं 12, कितने होते हैं 12 एंड 3 मंथ, 12 और 3 कितना आ जाएगा 15 मंथ हो गए टोटल। ठीक है, अंडर द रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम इफ द मैच्योरिटी वैल्यू, यानी जो मैच्योरिटी वैल्यू है MV की वैल्यू है वो 5565 रुपीज है, फाइंड द रेट, फाइंड आउट करना है रेट की वैल्यू, फाइंड आउट करना है कि जो इस अमाउंट को जमा करवाएंगे वो किस रेट से अपन इसको करेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, आर परसेंट ले लेता हूं इसको। ठीक है, तो करते हैं, देखो देखना ध्यान से, सारा वही है, तो पहले तो आप ये फाइंड आउट कर लो SI को, SI की मैं अंदर वैल्यू पुट कर रहा हूँ, फॉर्मूला आपका यहाँ पे लिख देना आप, P की वैल्यू कितनी है 350 इंटू N की वैल्यू कितनी है 15, N प्लस 2 की N प्लस 1 की वैल्यू कितनी है 16 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन में 100, ये वैल्यू है। ठीक है, इस 100 जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, 5 से मैं कैंसिल आउट करूँ तो 5 से कर दो, ये 3 हो गया और इसको 5 से कर दो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया होगा और फिर मैं इस 3 से इसको कैंसिल आउट कर दूँ तो ये कितना आ जाएगा 4, 4 इंटू 2 कितना 8, 8 इंटू 2 कितना 16, तो इस 2 इस 4 इस 2 से ये 16 कैंसिल आउट, जो SI की वैल्यू क्या देगा आपको 35 रुपीज में देगा, ये आपके SI की वैल्यू। आपको मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड आउट यानी गिवन आपको, तो फॉर्मूला होता है मैच्योरिटी वैल्यू इंटू पी इंटू एन प्लस SI, वैल्यू आप सारी पुट कर दीजिए तो इसकी वैल्यू आ गई ये 5565 इक्वल टू पी की वैल्यू 350 इंटू एन की वैल्यू 15 प्लस SI की वैल्यू 35R। सारों को आप कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आपकी आ जाएगी, मैं भी कैलकुलेट कर देता हूँ, देखो 35 को मैं 15 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वैल्यू आ गई आपकी ये, और प्लस में कितना है ये, इधर आके ये माइनस होगा तो वैल्यू माइनस करवा दीजिए, माइनस 50 इक्वल टू 35R माइनस करवाते हैं, 5 माइनस 0 कितना 5,
सिक्स माइनस फाइव कितना वन, और फाइव माइनस ये थ्री, और अपॉन में कितना आ जाएगा थर्टी फाइव, इक्वल टू में कितना आएगा आर। तो आर की जो वैल्यू आपकी आएगी यानी 315 को, 315 को मैं डिवाइड करूं 35 से, तो वैल्यू आपकी आएगी 9%। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 9% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे अपन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं आंसर को एक बार चेक कर लेता हूं भाई। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 9 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको हिंट गिवन है, आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 9 में मैं बात करूं कि अपन सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ 1200 रुपीज, तो पी की वैल्यू होगी 1200 रुपीज पर मंथ हैज द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ 12,440 रुपीज फॉर इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ आर की वैल्यू कितनी है 8% एंड द इंटरेस्ट इज कैलकुलेट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, फाइंड द टाइम ऑफ दिस रिकरिंग डिपॉजिट। यानी मंथ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू आपको एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो अपन सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो एस आई की वैल्यू, ये भी बोला है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या आएगी, फॉर्मूला अपन जानते हैं कि पी इंटू एन इंटू एन प्लस वन अपॉन में टू इंटू ट्वेल्व इंटू आर अपॉन में हंड्रेड, ये फॉर्मूला है। तो यहां से एस आई की वैल्यू आ गई, पी की वैल्यू कितनी है 1200 इंटू एन की वैल्यू कितनी है निकालना है, एन प्लस वन अपॉन में कितना आ जाएगा टू इंटू 12 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 8 और ये 100। इस जीरो से, दोनों जीरो से और इस 12 से, तो ये कैंसिल आउट और इस 2 से ये 4 कैंसिल आउट। तो SI की जो वैल्यू आपकी आई यहाँ से वो आ जाएगी 4n स्क्वायर प्लस में 4n, ये SI की वैल्यू आ गई यहाँ से, रुपीज में आएगा SI। अब मैं मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई करूँ, मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला पी इंटू एन प्लस आई कर दो या फिर ऐसा ही कर दो, एक ही बात कर दो। ठीक है, एमवी की वैल्यू है 12,440 इक्वल टू पी की वैल्यू है 1200 इंटू एन की वैल्यू आपको निकालनी है प्लस इसकी वैल्यू एन स्क्वायर प्लस 4n, ये वैल्यू है। ठीक है, हो जाएगा। अब देखो 12,440 इक्वल टू ये आपका, ये कितना आ जाएगा देखो 4n और ये दोनों आपस में कितना 1204n, ठीक है, और प्लस का 4n स्क्वायर। यहां से ये जो वैल्यू है ये इधर आएगी तो माइनस का 1204 40 आएगा और इक्वल टू कितना जीरो। पूरी इक्वेशन को मैं 4 से डिवाइड कर दू, 4 से डिवाइड कर दू, तो यहां से डिवाइड करो आप कितना यहाँ n स्क्वायर, यहां से मैं डिवाइड करूं तो प्लस 301n और माइनस, इसको मैं 4 से डिवाइड करूं तो ये वैल्यू आएगी आपकी 4110 इक्वल टू में कितना जीरो। ये क्या है, n वेरिएबल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन, n वेरिएबल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो 10th क्लास में अपन, यानी आगे चैप्टर आएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसमें अपन आगे इसी 10th क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इसके फैक्टराइज किसी भी मेथड से यूज कर दो, तो मैं बता देता हूं n स्क्वायर इस 301 के ऐसे दो फैक्टर आपको बनाना है जिनका मल्टीप्लाई तो कितना आना चाहिए, ये वैल्यू, कितनी वैल्यू ये, और प्रोडक्ट यानी जो सम है वो कितना आना चाहिए 301। ऐसी दो वैल्यू कौन सी आपकी, ऐसी दो वैल्यू ये है ना, 311n में से मैं 10n माइनस कर दूं तो ये वैल्यू आ रही है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का ये वैल्यू आएगी, माइनस का आएगा ये और ये माइनस ये आ जाएगा। ठीक है, आगे आप डिस्कस करोगे। यहां से n को मैं कॉमन निकाल दूं तो n स्क्वायर n प्लस में 311
और यहां से मैं माइनस 10 को भी कॉमन निकाल दूं तो n माइनस प्लस ये आ जाएगा आपको 311 इक्वल टू में 0, ये फैक्टर यहां से कॉमन आ जाएगा, तो n प्लस 311 इंटू में n माइनस 10 इक्वल टू 0, दोनों का मल्टीप्लाई 0 है, या तो ये 0 होगा और या ये 0 होगा। यदि ये 0 है, इसकी वैल्यू यदि 0 की इक्वल है तो n प्लस 311 इक्वल टू 0, और यदि ये 0 है तो n माइनस 10 इक्वल टू 0, यहां से n की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई, और यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई 311 आ गई। अब n क्या था, मंथ थे, टोटल मंथ थे, तो ये क्या आपकी माइनस में आ गई, ये किसकी वैल्यू आ गई माइनस 311, तो नेगेटिव वैल्यू कभी भी टाइम को रिप्रेजेंट नहीं करता है, और ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये आपके n की वैल्यू यहां से कितनी आ गई मंथ आ जाएगी 10 मंथ, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, समझ गए होंगे, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10 के बाद में, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए और डिस्कस करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10। सेम इक्वेशन है, इसी की तरह ऐसी इक्वेशन आपको मिलेगी, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको गिवन है कि मिस्टर गुलाटी हैज रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ 300 पर मंथ, तो प्रिंसिपल अमाउंट हो गए 300 पर मंथ। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर की वैल्यू होगी 12% एंड द मैच्योरिटी वैल्यू एमवी की वैल्यू होगी, इस अकाउंट की जो मैच्योरिटी वैल्यू वैल्यू ऑफ दिस अकाउंट इज 8100 रुपीज, फाइंड द टाइम, आपको टाइम फाइंड आउट होता है ऑफ दिस इन ईयर के अंदर ऑफ दिस रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट, ये निकालना, यानी एन की वैल्यू फाइंड आउट करना। एन किसको रिप्रेजेंट करता है, मंथ को, आपको ईयर के अंदर फाइंड आउट करना, तो आपकी वैल्यू आएगी। सबसे पहले तो एसआई को निकाल लेता हूं मैं, एसआई का जो फॉर्मूला है वो लिखा हुआ है, उसमें वैल्यू पुट करनी है आपको, ठीक है। ये रहा क्या फॉर्मूला, पी, पी की वैल्यू कितनी है 300 इंटू एन की वैल्यू कितनी है निकालनी है, एन प्लस अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू में ये कितना आएगा आपका आर की वैल्यू 12 अपॉन में 100, इस 12 से 12 कैंसिल आउट, इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, तो एसआई की जो वैल्यू आपकी आ गई वो आ गई 3n स्क्वायर प्लस 3n, ये वैल्यू आ गई, और अपॉन में कितना आएगा 2 आएगा, ये आपकी वैल्यू एसआई की आ गई, और एसआई किस में आएगा रुपीज के अंदर आएगा। मैच्योरिटी वैल्यू को फाइंड आउट, यानी मैच्योरिटी वैल्यू आपको गिवन, तो फॉर्मूला p इंटू एन प्लस में एसआई, एमवी की वैल्यू 8100 इक्वल टू इसकी वैल्यू 300 इंटू में एन प्लस में 3n स्क्वायर प्लस 3n अपॉन में 2, इस 2 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं, इस 2 को भी इधर मल्टीप्लाई कर दो और इधर भेज दो एलसीएम लेके भेज दो, तो सबसे पहले इधर मल्टीप्लाई करो, तो ये 0 ये 0 ये 2 ये 16 ये आ गया, इधर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 600n प्लस में 3n स्क्वायर और प्लस में ये 3n ये वैल्यू, ठीक है ना, एलसीएम लेके इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो 16200 इक्वल टू ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कितनी 0 601 एन प्लस 3n स्क्वायर, इसी को मैं लिख सकता हूं 3n स्क्वायर प्लस 601 एन माइनस 162 0 ये आ गई, और इक्वल टू में कितना आ गया 0। पूरी इक्वेशन को 3 यानी 3 से मैं डिवाइड कर दूं तो n स्क्वायर, इसको 3 से डिवाइड कर दूं 301 एन, इसको मैं डिवाइड कर दूं तो 3 से n डिवाइड कर दूं तो 5400 आ जाएगा। ये आपकी n के फॉर्मेट में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, n वेरिएबल की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टराइज कर दो तो n स्क्वायर इस 301 के से दो फैक्टर जिनका मल्टीप्लाई कितना हो 5400 और जिनका एडिशन कितना हो 301, ऐसी दो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो, ये 201 है ना, अब हो जाएगा देखो 225 में से मैं 24 को माइनस कर दूं तो आपकी वैल्यू आ रही है ना 201,
मल्टीप्लाई करके आप देख लेना कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 5400। तो इसके फैक्टर करना है, 201 को क्या ले सकता हूँ, 225 n - 24 n - 400 = 0। यहां से मैं n को कॉमन निकाल दूं तो n प्लस 225, और यहां से माइनस 24 को कॉमन निकाल दूं तो ये वैल्यू आ जाएगी n प्लस 225 इक्वल टू में कितना, 0। n प्लस 225 कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग वैल्यू n माइनस 24 इक्वल टू 0। यदि मैं इसको 0 के इक्वल पुट करूं तो n की वैल्यू माइनस 225, और इसको मैं 0 के इक्वल पुट करूं तो l की वैल्यू कितनी, 24। n की वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई। अब ये वैल्यू तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी, क्योंकि कभी भी मंथ या टाइम या कोई डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ना अपना वेट नेगेटिव होता है ना अपनी हाइट नेगेटिव होती है, तो ये तो केस इम्पॉसिबल है। लेकिन ये केस क्या आपका पॉसिबल है, तो n आपका कितना आ गया, 24 मंथ आ गया, और आपको फाइंड आउट किस में करना था, ईयर में, तो ईयर कितनी आ जाएगी, 2 ईयर आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। अब आप वीडियो को पॉज करो, फटाफट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, लास्ट आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, देखते हैं अपन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको गिवन है कि मिस्टर गुप्ता ओपन ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन ए बैंक, हिज डिपॉजिट यानी कितना डिपॉजिट करवा रहा है, 2500 रुपीज जमा करवा रहा है पर मंथ फॉर द 2 ईयर, यानी एन की वैल्यू कितनी आ गई, 2 ईयर आ गई, 24 मंथ आ गए, ये लीजिए। एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ही गोट, यानी कितना मैच्योरिटी टाइम को गोट कर रहा है, मैच्योरिटी टाइम जो वैल्यू है वो 67500 कर रहा है। द टोटल इंटरेस्ट एंड बाई मिस्टर गुप्ता, यानी आपको क्या निकालना है, टोटल इंटरेस्ट निकालना है मिस्टर गुप्ता के द्वारा, तो निकाल देते हैं। देखो सबसे फर्स्ट तो आपको इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है और सेकंड के अंदर रेट फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो निकाल देते हैं। देखो इंटरेस्ट का फॉर्मूला अपन जानते हैं, एक मैच्योरिटी वैल्यू से आया था कि मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट को मैं टोटल मंथ से मल्टीप्लाई कर दूं और प्लस कर दूं एसआई को, तो इंटरेस्ट आ जाएगा। इसकी वैल्यू अपने पास में 67500 और इसकी वैल्यू है 2500 और इसकी वैल्यू आपकी मल्टीप्लाई कर दो इंटू में कितना, 24 और प्लस में कितना एसआई, ये आपका इंटरेस्ट आ जाएगा यहां से। तो ये वैल्यू आ गई 67500 इक्वल टू 24 को मैं 25 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 54000, ठीक है ना। 25 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 24 से तो आपकी वैल्यू आएगी 60000, ठीक है, और प्लस में एसआई, माइनस कर दो इधर लाके, तो 67500 माइनस 60000 को मैं माइनस कर दूं तो एसआई की वैल्यू आ जाएगी, यहां से आपका एसआई आएगा 7500, कितना आएगा 7500, ये एसआई की वैल्यू आ गई। तो फर्स्ट के लिए तो आपका आंसर ये आ जाएगा। सेकंड के बारे में डिस्कस करें तो सेकंड में आपको फाइंड आउट करना है रेट की वैल्यू, तो आर जो रेट है उसको आर मान लेता हूं, रेट इक्वल टू कितना आर मान लेता हूं, आर परसेंट, ये लो। अब फॉर्मूला होता है एसआई इक्वल टू पी इंटू एन इंटू एन प्लस वन अपॉन में कितना, 12 इंटू 2 इंटू आर अपॉन में 100। एसआई की वैल्यू है 7500 इक्वल टू पी की वैल्यू है 25000 इंटू एन की वैल्यू 24 इंटू 25 अपॉन में कितना आएगा 12 इंटू 2 इंटू आर अपॉन में 100, ये वैल्यू है। 24 से 24 कैंसिल आउट, इस 20 से ये 20 कैंसिल आउट, आपकी वैल्यू आएगी 75 अपॉन में 25 इंटू 25 इक्वल टू आर, ये आ जाएगा। इस 25 से मैं कैंसिल आउट करूं तो ये आ गया 300 और इस 25 से मैं इसको कैंसिल आउट करूं यानी आर की जो वैल्यू आएगी ना वो 300 को आप 25 से डिवाइड कर दोगे तो आपकी वैल्यू आ गई 12% आ जाएगी, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ गए होंगे आप अच्छे से। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था, डिस्कस करेंगे
एक्सरसाइज भी कंप्लीट है और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2B के बारे में, ठीक है। तो आप शेयर करते जाओ, आपको वीडियो अच्छे मिलते रहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपके सहयोग से मैं आगे बढ़ पाऊंगा और इम्प्रूवमेंट ही तभी कर पाऊंगा बेटर से बेटर, ठीक है। तो अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।